अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम बहुत इजी हिजाब स्टाइल का ट्यूटोरियल करेंगे, जिसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे हिजाब स्टाइल के ट्यूटोरियल मौजूद हैं, एक्चुअली विद मेकअप ट्यूटोरियल पोस्टेड हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं ट्यूटोरियल्स तो डू चेक देम आउट, बहुत ईजी और क्विक स्टाइल्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें चाहिए होंगी कुछ सेफ्टी पिंस और इस तरह की नीडल लाइक पिंस। उसके बाद जो हम दुपट्टा लेंगे उसको हम इस तरीके से 4-5 इंच फोल्ड कर लेंगे। सही, हम अपने सर पे दुपट्टा रखेंगे। मैंने जो है एक हेयरबैंड नीचे पहना हुआ है, एक साइड हम लॉन्ग रखेंगे, एक साइड शॉर्ट रखेंगे। सही, दुपट्टे को सेट कर लेंगे और इस तरीके से एक पिन लगा लेंगे ताकि दुपट्टा हमारे जो है सर से हिले नहीं। मेरा जो बैंड है वो बहुत ज़्यादा मोटा है तो पिन उसके अंदर जा नहीं रही है, और जो शॉर्ट साइड है उसको हम इस तरीके से दूसरी तरफ पिन कर लेंगे, क्योंकि मेरा तो गला बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अगर आपका गला बड़ा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सेफ्टी के लिए हम दूसरी साइड पे दुपट्टा पिन कर लेंगे। दुपट्टे का जो बड़ा वाला साइड है, अगर तो बॉर्डर है तो आप इस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप 4-5 इंच फोल्ड करके ही उसको अपने सर पर लेंगे। बॉर्डर को आप इस तरीके से सेट करेंगे और उसके बाद आप अपना दुपट्टा अपने हिसाब से चेस्ट कवरेज के लिए सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। ऊपर लगाएंगे पिन, साइड्स में लगाएंगे पिन और शोल्डर पे, ताकि शर्ट के साथ दुपट्टा हमारा पिनअप हो जाए और हिले नहीं। इस तरीके से आपको बैक कवरेज मिलेगी, चेस्ट कवरेज मिलेगी और आपका दुपट्टा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अच्छा, इसको हम मज़ीद वॉल्यूम कैसे दे सकते हैं, इस तरीके से आपने एक और लेयर लिया, उसको साइड से पिनअप किया, ऊपर से पिनअप किया, शोल्डर से ऑब्वियसली, ताकि हमारा दुपट्टा वैसे का वैसा रहे घंटों तक। और बाकी में ये दुपट्टे का जो स्टाइल है ये मैंने ईद पे पहना है और शादियों में भी पहना है, और ये ऐसे ही का ऐसे ही रहता है। अब आप साइड से पिन करेंगे इस तरीके से। आप इस स्टाइल को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, इस स्टाइल से आपको बैक और फ्रंट कवरेज भी मिलती है और इसके साथ आप इयररिंग्स, नेकलेस, टीका सब कुछ पहन सकते हैं। आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।